हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, आइडिया और एयरटेल में से कौन सा स्टॉक, ये दोनों में से कौन सा स्टॉक जो है आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। और जैसे कि वीडियो स्टार्ट होते ही मैंने आप लोगों को बोला कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, उसका भी मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ आज। तो देखिए, फिलहाल में मैंने ये वीडियो बनाया था भारतीय इंफ्राटेल, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और येस बैंक। यहाँ पर देखिए, मैंने साफ साफ लिखा था कि उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी ये वीडियो में दोस्तों। और उसके बाद उस दिन तो बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद देखिए, फिर मैंने यहाँ वोडाफोन के बारे में आपको बताया था कि अगर आपने निवेश नहीं किया है तो उसमें भी कर लीजिए दोस्तों। आप जो है वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मैं जो भी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको थंबनेल दिखाया जाता है, वीडियो दिखाया जाता है और परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में आप वीडियो देख रहे हो। तो चलिए आपके सामने एक मैं वीडियो प्ले करके भी बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैंने अपलोड किया था, आपके सामने यहाँ पर थंबनेल दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए, मैंने मल्टीबैगर करके डाला है। और सबसे पहले तो आपको प्रूफ दिखाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, मैंने ये वीडियो पब्लिश किया था, देखिए 25 नवंबर को ये वीडियो मैंने पब्लिश किया था। और अभी आप लोगों के सामने जो है प्ले करके दिखाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को भी पता चल जाए कि एक दिन पहले बता दिया जाता है कि नहीं बता दिया जाता है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टेलीकॉम सेक्टर में से दो ऐसे स्टॉक जिसमें से आपको एक खरीदारी करके चलना है, जो आने वाले दिनों में आपको निकाल के देगा एक बहुत सारा रिटर्न। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा बड़ा कदम उठाया है टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो आइडिया को खरीदना चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो भारतीय एयरटेल को खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, भारतीय एयरटेल को मैं सपोर्ट करता हूं। और जहां तक कि भारतीय एयरटेल तक की बात है, इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है और भी इंक्रीज होगा। अगर आपने खरीदारी नहीं किया तो अभी आप पछताओगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो मैंने साफ साफ बोला कि भारतीय एयरटेल का, यहाँ पर देखिए मैंने साफ साफ बोला कि भारतीय एयरटेल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और भी होगा, अगर आपने नहीं खरीदा तो आप पछताओगे। मैंने दोस्तों साफ साफ मेंशन किया, एक बार और मैं आपको सुना देता हूँ। को मैं सपोर्ट करता हूं। और जहां तक कि भारतीय एयरटेल तक की बात है, इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है और भी इंक्रीज होगा। अगर आपने खरीदारी नहीं किया तो अभी आप पछताओगे। यहां पर तो देखिए दोस्तों, जब मैंने बोला था उसके बाद यहां पर देखिए कितना प्राइस चल रहा था, 451 चल रहा था दोस्तों भारतीय एयरटेल का। और आज का डेट मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए आप लोगों के सामने जो है इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 461 रुपीज़ चल रहा है दोस्तों आज का करेंट मार्केट प्राइस। और हाईएस्ट आज का कितना बनाया था देख सकते हैं यहाँ पर, 464.80, मतलब 465 के आसपास। अब क्वेश्चन अराइज होता है दोस्तों कि हमारे यूट्यूब चैनल में तो आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है, लेकिन अब क्या करना चाहिए? क्या अभी भी ये सही टाइम है भारतीय एयरटेल को खरीदने के लिए? आंख बंद कीजिए दोस्तों और भारतीय एयरटेल को खरीद लीजिए। आने वाले दिनों में ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा निकाल के दोस्तों, मल्टी बैगर की तरह आपको रिटर्न निकाल के देने वाला है। क्योंकि दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर को कभी भी कोई भी कॉम्पिटिट नहीं कर सकता। ये एक ऐसा मार्केट है दोस्तों जो लाइफ टाइम चलते रहता है और इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर मोनोपोली कभी कोई क्रिएट करने का कोशिश करता है, उस टाइम थोड़ी बहुत जो है परेशानी आ सकती है, लेकिन दोस्तों अभी भारतीय एयरटेल आप लोगों को बहुत अच्छा और रिटर्न निकाल के देने वाला है आने वाले दिनों में। हाँ देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन मैंने आपको वीडियो बनाया था, देखिए मैंने वीडियो कब बनाया था दोस्तों, 25 नवंबर को मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। और देखिए आप लोगों के सामने जो है मैंने एयरटेल, भारतीय एयरटेल का चार्ट मैंने सेट कर दिया 25 नवंबर को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वो जो प्राइस था तब मैंने आप लोगों को बोला था खरीदारी करने के लिए दोस्तों 25 नवंबर को, लेकिन उसके देखिए यहाँ पर कब प्राइस कितना चल रहा था, तो देखिए 450 के प्राइस भी चल रहा था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गिरावट भी आई थी यहाँ पर। और देखिए ये गिरावट कहाँ तक चली गई थी दोस्तों, ये धीरे धीरे ये गिरावट देखिए अराउंड जो है 40 के आसपास चला गया था। देखिए 29 के आसपास चला गया था, लेकिन उसके बाद जब ये बाउंस बैक लिया तो देखिए आपके सामने यहाँ पर कितना दोस्तों, 87 तक चला गया था। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, देखिए मैंने 50 के प्राइस पे आपको बोला था खरीदारी करके चलना है और आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। 50 यहाँ देखिए हाईएस्ट कितना गया था, 87, मतलब कि दोस्तों अराउंड मान लीजिए कि 85 के आसपास गया था। तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, लेकिन मैं जिस दिन वीडियो बनाया उसके दूसरे दिन ही देखिए ग्राफ जो है थोड़ा सा नीचे गया था। तो मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, कल के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं आपको एक दिन पहले बताता हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए। अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कभी लॉस नहीं होगा ज्यादातर।
तो अगर आप दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, हमारा सर्विस आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए पहला नंबर जो है दोस्तों वो व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है, और सेकेंड नंबर दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर है। हालांकि आप दोनों नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले दिनों में हम फिर से आपको बताने वाले हैं कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है।